एनएलएस वेट एब्डोमेन पैक, ये कैसे लगाना है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसको पूरा हम समझते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अधिकतर बीमारियों का जड़ कारण पेट है? क्या आप बिना किसी खर्च, बिना किसी दवाई के, केवल नेचुरल लाइफस्टाइल की पेट की पट्टी से अपने पेट, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए हमारे साथ, हम आपको सीधा, सरल और प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं पेट को स्वस्थ रखने का। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। नमस्कार मित्रों, कारण एक रोग अनेक। साधकों, पाचन तंत्र की खराबी से ही ज़्यादातर रोग लगते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने से ही बाकी शरीर की सभी सिस्टम खराब हो सकते हैं। जैसे यदि पेड़ के पत्ते सूख जाएं तो आप क्या करोगे? पेड़ की जड़ में पानी देंगे। हम सब जानते हैं पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को लाभ मिल जाएगा, अर्थात पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही मानव शरीर की जड़ तो पेट है। यदि पेट को ठीक रख लिया जाए तो पूरा शरीर स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि खाना खाने से नहीं बल्कि पचाने से लाभ होगा। पेट को ठीक रखने के लिए पेट पर नेचुरल लाइफस्टाइल की पट्टी की साइंस को समझते हैं। हमारे पूरे शरीर का तापमान सामान्य रहता है। पेट के ऊपर गीली पट्टी लपेटने से पेट की और तापमान कम हो जाता है। स्वास्थ्य का सिद्धांत है कि शरीर में जहां पर भी तापमान कम हो जाता है, शरीर वहीं पर तापमान को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसी तरफ खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित अधिकतर अंग पेट के आसपास ही हैं, जैसे कि आमाशय, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज इत्यादि। इन अंगों की ओर खून का दौरा बढ़ जाने से इन अंगों की कार्यकुशलता और कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ठंडी पट्टी लगाने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं? नंबर एक, पट्टी लगाते ही आप अनुभव करेंगे कि पेट में से गैस बाहर निकलेगी। आज ही पट्टी लगाकर अनुभव करें। नंबर दो, जैसे हड्डी को आराम देने से उस पर पट्टी लपेटने से हड्डी अपने आप जुड़ जाती है, ठीक ऐसे ही पेट के ऊपर गिल्ली ठंडी पट्टी लगाने से, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने से पेट संबंधी बीमारियां, कब्ज, एसिडिटी, पेट में अफारा आना आदि अपने आप ठीक होने लगती है। पट्टी लगाने से कुछ समय में ही गर्म होने लगेगी। जैसे जैसे पट्टी गर्म होगी अंदर के अंग नर्म होते जाएंगे। यदि कब्ज होगी तो मल अपना स्थान छोड़ देगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। नंबर तीन, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी इत्यादि की रिपोर्ट्स नॉर्मल होने लगती हैं। देखते ही देखते दवाइयां बंद होने लगती हैं। नंबर चार, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी में पट्टी लगाने से मिसकैरेज, गर्भपात नहीं होता, गर्भ नहीं गिरता, डिलीवरी बिना ऑपरेशन के होती है, बच्चा होते समय कम से कम दर्द, लगभग पेनलेस डिलीवरी जैसा अनुभव हो सकता है। नवजात शिशु, बॉर्न बेबी का स्वास्थ्य और बढ़िया होगा। नंबर पाँच, डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने से उसका प्रभाव ग्लैंडुलर सिस्टम पर पड़ता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी, थायराइड इत्यादि बीमारियां लग जाती हैं। प्रतिदिन गिल्ली पट्टी लगाने से डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, ऑटोमेटिकली ग्लैंडुलर सिस्टम भी इम्प्रूव होता है, हार्मोन्स रिलेटेड डिजीज, थायराइड, पीसीओडी इत्यादि भी ठीक होने लगती हैं। नंबर छः, सर्दियों के मौसम में भी पट्टी लगाई जा सकती है, लगाने से काफ़ी लाभ होता है। कितनी भी सर्दी हो, जब आप ठंडी पट्टी लगाने के आधे घंटे बाद उतारते हैं, पट्टी ऐसे गर्म निकलती है जैसे भट्टी में से निकाली हो, अर्थात पेट के अंगों की सूजन, स्वेलिंग उतर जाती है। आइए पेट के ऊपर पट्टी लगाने की विधि को समझते हैं। नमस्कार, आइए पेट के ऊपर पट्टी लगाने की विधि को समझते हैं। साथियों, हमें मोटी सूती कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करना है। ये कपड़ा मोटे धागे की बनी हुई खादी का होना चाहिए, मर्सिडाइज कॉटन नहीं होनी चाहिए, ताकि इसमें पानी रुक सके। इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर और चौड़ाई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। आपकी सुविधा के लिए एनएलएस के नियमों के अनुसार तैयार की गई पट्टी हमारे यहाँ उपलब्ध है। सबसे पहले इस कपड़े को ठंडे ताजे पानी में भिगो दीजिए।
यदि गर्मियों में टंकी का पानी गर्म आता हो तो मिट्टी के घड़े या सुराही के पानी को ले लीजिए। पानी फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए। कपड़े को अच्छे से पानी में भिगोकर अच्छे से टाइट निचोड़ लीजिए ताकि उसमें से पानी ना टपके और आपके दूसरे कपड़े गीले ना करें। स्टेप नंबर 2, इस पट्टी को लंबाई की ओर से 4 बार फोल्ड कर लें। आपकी 9 इंच चौड़ी और 2.5 मीटर लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इसको पेट के चारों ओर नाभि को सेंटर में रखकर आधा नाभि के नीचे आधा नाभि के ऊपर लपेट लीजिए। यदि आपको पट्टी लगाना मुश्किल लगे या व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो या मौसम बहुत ठंडा हो तो इसके ऊपर कोई सूखा पतला टॉवल जैसा कपड़ा लपेट लें। इसके ऊपर अपने कपड़े पहन लीजिए ताकि आपको ठंड ना लगे। गर्मियों में ऊपर से सूखा टॉवल लगाने की ज़रूरत नहीं है। पट्टी लगाने के बाद आप अपने सामान्य दैनिक कार्य कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, पूजा करना, घर में रसोई इत्यादि के काम करना। पट्टी लगाने के लगभग आधे घंटे बाद पट्टी को उतार दें। घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट कम भी हो सकते हैं, 10 मिनट ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये पट्टी सामान्य हालातों में दिन में 2 बार लगाएं। यदि आप नेचुरल लाइफस्टाइल का वाइट चार्ट अर्थात लिक्विड डाइट या रसाहार को फॉलो कर रहे हैं या अपनी खुशी से उपवास कर रहे हैं तो दिन में 4 बार पट्टी लगाएं। इसको खाना खाने के बाद या पहले कभी भी लगाएं। बस एक ही बात का परहेज है, पट्टी लगे लगे ना कुछ खाएं ना पिएं। जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो खाना खाने के समय से पहले पट्टी लगाएं, भूख लगने लगेगी। जिनको खाना हजम नहीं होता या खाना खाने के बाद गैस बनती है वह खाना खाने के बाद पट्टी लगाएं। एक विशेष बात, किसी भी इमरजेंसी में तुरंत लाभ के लिए जैसे कि नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त जैसे एक्यूट डिजीज में तीव्र रोगों को जल्दी ठीक करने के लिए पेट के ऊपर गीली ठंडी पट्टी लगाकर उसके ऊपर कपड़े ना पहनें। पट्टी को वायु के संपर्क में आने दें, अधिक और तुरंत लाभ होगा। इस साइंस को हम कैसे समझें? जैसे कि आप गाय भैंसों को देखिए, गाय भैंसें जब तालाब में नहाती हैं कैसे नहाती हैं? आधा शरीर पानी के अंदर होता है और आधा पानी से बाहर होता है। कुत्ता जब बीमार हो जाए वो क्या करता है? देखिए, आप अब आज के बाद कुत्ते को अक्सर ऐसा बैठा देखेंगे, वो जमीन को खोदता है और इस तरीके से बैठ जाता है। ये क्या कर रहा है? ये पेट की पट्टी लगा रहा है, क्योंकि ये पट्टी खरीद नहीं सकता, इसका पट्टी लगाने का ये तरीका है। दोस्तों याद रखें, केवल पट्टी के पीछे ना पड़ें। पट्टी तो मात्र एक टूल है। यदि आप आजीवन बिना दवाइयों के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करें, अपने भोजन में बदलाव करें। अगर गाड़ी का पेट्रोल ही ठीक नहीं होगा तो हम कितने ही मैकेनिक बदल लें, गाड़ी सही नहीं चल सकती। ठीक ऐसे ही शरीर का यदि भोजन ही ठीक नहीं हो तो हम कितनी ही दवाई खाएं, शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। अपने भोजन में बदलाव करने के लिए हमारे मैजिकल डाइट प्लान को फॉलो करें, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथियों, अधिकतर प्राकृतिक चिकित्सालयों में मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है। मिट्टी की पट्टी में भी काम तो पानी नहीं करना है, मतलब तो पेट को आधे घंटे तक ठंडा रखना है। ये काम कपड़े की पट्टी से भी हो सकता है। मिट्टी की पट्टी घरों में लगानी मुश्किल होती है, रोजाना लगाना संभव ही नहीं है। अपने घर पर ही कपड़े की पट्टी लगाना सरल और प्रैक्टिकल है। मित्रों, आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का वो सीन तो याद होगा ना, जब शाहरुख खान कबूतर को चोट लगने पर गीली मिट्टी का लेप करते हैं और कबूतर उड़ने लग जाता है। वो भी यही साइंस है, गीली मिट्टी का काम हम गीली कॉटन पट्टी से ले रहे हैं। जी, पेट के ऊपर पट्टी लगानी कैसे लगानी है ये आपको समझाया गया। पट्टी की साइंस क्या है कि पट्टी ठंडी है, जो आपने पट्टी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में भिगोया पट्टी ठंडी है और जो पूरी बॉडी है वो गर्म है। तो अब बॉडी क्या करती है, जैसे ही आप ठंडी पट्टी यहाँ लगाते हैं, क्या बॉडी ठंडी होना चाहती है? ठंडी नहीं होना चाहती बॉडी। तो जैसे ही आप यहाँ पेट के ऊपर ठंडी पट्टी लगाते हैं तो इस एरिया में बॉडी फटाफट गर्मी क्रिएट करने में लग जाती है। तो
पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का दौरा है, वो इस तरफ आ जाता है। अब हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, हमारा लिवर, हमारी पेनक्रियाज, हमारी किडनी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कहाँ पर है? इस एरिया में है। जैसे ही यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, यहाँ जो गैस है वो बाहर निकलती है, कॉन्स्टिपेशन टूटने लग जाता है, हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है वो टोन अप होने लग जाते हैं। हमारा किडनी भी अगर स्टोन पड़ा हो, वो निकलने की तरफ जाने लग जाता है। इस तरीके से पट्टी लगाने से हमें बहुत 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 ज्यादा फायदा होता है। तो ये नॉर्मल पट्टी, अब आप बोलेंगे कि ठंड है, ठंड में पट्टी कैसे लगाएं? कि आप जैसे पट्टी को एक बार स्किन टच करेंगे आपको ठंडा लगेगा, लेकिन उसके बाद आप पट्टी को पूरा लपेटने के बाद उसके ऊपर कोई इस तरीके का पतला सूखा टावल लपेट लीजिए। इसको आप कोई पूरा ऐसा सूखा कॉटन टावल लपेट लीजिए, सूखा पट्टी आपकी गीली है, ऊपर ये कॉटन टावल है, इसको आपने पूरा पेट के ऊपर लपेट लिया, ऊपर से अपने कपड़े पहन लीजिए। अब एक बार पट्टी लगाने के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने ठंडी पट्टी लगाई हुई है, और आधे घंटे के बाद पट्टी बिल्कुल गर्म निकलेगी, जितनी गर्मियों में गर्म निकलती है उससे भी ज्यादा गर्म निकलेगी। दूसरा तरीका, जब आप नहाते हैं तो नहाने के समय बॉडी ठंडी ही होती है भले ही आप गर्म पानी से नहाए। आप नहाने से पहले ही अपनी पट्टी को तैयार करके अपने साथ बाथरूम में रखें, नहाने के बाद बॉडी को वाइप करने के बाद उसी समय पट्टी लगा लें, पट्टी लगा के ऊपर सूखा टावल लपेट लें और अपने कोई भी कपड़े, गाउन या अपना नाइट सूट वगैरह पहन लें, और आधे घंटे के लिए पट्टी आपकी लगी रहेगी, आप दूसरे कोई भी काम कर सकते हैं।